ऐसे तो आमतौर पर डाइट का सभी को ध्यान रखना चाहिए और हर उम्र के व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, बचपन से लगा करके। बच्चा जब पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब से लगा करके ताउम्र डाइट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहले जो गर्भवती माताएं उनको ध्यान रखना चाहिए, फिर फीड कराते समय में ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद में भी बच्चे का लालन पोषण पोषण जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, हमेशा उसका ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन खास करके 20 की उम्र के बाद में महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव आते हैं, इसलिए उन्हें अपनी डाइट में बदलाव करना चाहिए और ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए जो उनको स्वस्थ रख सके और जिनका इम्यूनिटी लेवल काफी अच्छा रह सके। आयरन रिच फूड जैसे किशमिश, तिल, दालें, मूंग और मसूर की दालें, सोयाबीन, गुड़, खजूर आदि को अपनी डाइट का हिस्सा उनको बनाना चाहिए। इसी तरह से विटामिन ई से युक्त अखरोट, आम, एवोकाडो, अलसी के बीज, नारियल और बाजरा, ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसी तरह से पनीर, तिल के बीज, रागी और बथुआ जैसे कैल्शियम रिच फूड भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। इसी तरह से घी, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, ऑलिव ऑयल वगैरह और अखरोट और अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपकी सेहत के लिए जरूरी है, उसको जरूर शामिल करना चाहिए। इसी तरह से मैग्नीशियम रिच फूड्स यानी जवार, केला, एवोकाडो, अंजीर और नट्स आदि को 20 के बाद अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसी तरह से विटामिन डी के लिए पालक सहित हरी भाजियां, मशरूम, कद्दू आदि को शामिल करें और आधा घंटा सुबह सुबह की सुहानी धूप अवश्य लें। 20 के बाद डाइट के मामले में ज्यादा अलर्ट रहें। फास्ट फूड, जंक फूड, रेडीमेड आटा, रेडीमेड फूड्स, इन सबसे अपना बचाव करें, इन सबसे अपनी दूरी बना लें ताकि आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़े। अन्यथा शारीरिक बदलावों के साथ में यदि आपने डाइट को अपना सही नहीं किया तो आप कई बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे और शरीर आपका कमजोर हो जाएगा, आगे आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये जो मैंने फूड्स बताए हैं इनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।